हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है जो आप लोग के लिए जानना चाहिए। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का अगर फॉर्म उनका जो है रिजेक्ट हो रहा है, जो करंट स्टेटस आप चेक कर रहे हो वो उनका रिजेक्ट अगर हो रहा है तो उनका भी वेरीफाई हो रहा है। ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, क्योंकि रिजेक्शन देख करके स्टूडेंट बहुत डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं। हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि एक स्टूडेंट थे जिनका रिजेक्ट हो गया, उनका किस तरह से वेरीफाई हुआ, क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, ये सब चीज ना। दूसरा आपका जो है इंफॉर्मेशन निकल कर आ रहा है, समाज कल्याण विभाग ने खुद एक इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए दी है, जिनका रिजेक्ट हो गया है या जिनका पेंडिंग में है उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर तरह के जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको आपके चैनल पर दिए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो गुड न्यूज की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं कि मैम हमारा रिजेक्ट हो गया, कि ऐसे रिजेक्ट हुआ है, क्या करे क्या नहीं करे। तो देखो, ये स्टूडेंट ने जो किया है मैं वही आपको भी बोलूंगी, और जिस बेस पे इनका जो है वेरीफाई हुआ है वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इनका देख लो, एक ही स्टूडेंट है, नाम आप देख सकते हो, सब कुछ सेम है, कुछ ये नहीं है, मनीराम नाम है इनका। यहां पर आप देखोगे, यहां से सबसे पहला से मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए मनीराम जी का, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आप लोगों का पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी दिखा रहा है। ये कब देख लो, 14/10/2022 तक का है, ये पेंडिंग इनका दिखा रहा था, क्लियर है। यहाँ पे सेकेंड में आइए, यहाँ पर आप ये आप देख सकते हैं, ये जो इनका बताया गया है आप देखोगे 6/3/2023, ये मार्च का है, 6 तारीख को मार्च में जो है इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। देख लीजिए, इन्होंने मैसेज किया, बताया कि मैम हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया, हम क्या करें। रीजन जो है क्या दिया गया है, बैंक एंड नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। देखो यहाँ पे बताया गया है कि बैंक का नाम और आईएफएससी कोड जो फिल किया गया है वो मैच नहीं कर रहा है, ये बताया गया। देख लो, ये डेट जो है आपको 6 मार्च का ही है, ज्यादा दूर का है नहीं, ठीक। अब मैं आपको आगे का दिखाती हूं, जो कि आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहां पर पहले तो डेट देख लो, 11 मार्च का है, यानी ये कल का इनका फॉर्म है। 11 मार्च को आप यहां देखिए, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, क्लियर दिख रहा है। एक ही स्टूडेंट है, नाम आप हर जगह चेक कर सकते हो, मनीराम जी का ही है, एकदम फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, कि रिजेक्ट होने के बाद वेरीफाई हुआ, और रिजेक्शन भी इस बेस पे था कि बैंक का नाम और आईएफएससी कोड जो है मैच नहीं कर रहा था। ये वहीं पे करंट स्टेटस जो है उन्हीं लोग का दिया हुआ है। स्टूडेंट ने बस इतना किया है कि बैंक में जाकर के इनको हमने यही बोला कि बैंक में जाकर पता कीजिए क्या हुआ है। बैंक में जाकर के इन्होंने पता किया, तो वहां से जो भी इन्होंने फॉर्म फिल किया था, बैंक का नाम आईएफएससी कोड सब कुछ सही था। कॉलेज में जाकर के एक एप्लीकेशन लगा दिया, वो जो रिजेक्टेड वाला जो ये था स्टेटस था उसका एक लगा दिया कि किस बेस पे किया गया है, जब मेरा सही है तो बस उसके बाद इनका वेरीफाई हो गया। आप देख सकते हो कोई यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं है, 5 दिनों के अंदर जो है वेरीफाई हो गया। यही चीज हम आपको जो है सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपका स्टेटस में कुछ रिजेक्टेड भी आ रहा है तो एक बार पता तो करो कि रिजेक्शन का रीजन क्या है, और उसके बाद उसमें एक्शन लो जितना हो सके। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर किसी को सक्सेस ही मिलेगा, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने ट्राई भी किया है और कॉलेज वाले उनको सपोर्ट नहीं किए। यहाँ पे इनको जो है कॉलेज वाले ने सपोर्ट किया है, कॉलेज वाले ने फॉर्म इनका एक्सेप्ट किया, फिर उसको फॉरवर्ड किया, तो इसलिए हुआ है। तो कॉलेज वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली यही रिजल्ट देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका रिजेक्ट हुआ है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एक और इंफॉर्मेशन, जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले तो देख लो, एससी के छूटे छात्रों को अगले वित्त वर्ष में ही हो सकेगी शुल्क भरपाई। आप सब जानते हो कि इधर में रिजेक्शन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, और रिजेक्शन जो है लगभग 1 लाख छात्रों का हो चुका है। मतलब ये डेटा तो इनका अभी का दिया जा रहा है कि 1 लाख का हुआ है, जब 31 मार्च को आएगा तो डेटा अलग ही निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट हुआ है, तो ये 31 मार्च को पता चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर जो है
स्टूडेंट का जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, रीजन जो है बैंक में आईएफसी कोड या पीएफएमएस से जो है यही रिपोर्ट आ रहा है कि उन लोग का एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, डीबीटी का प्रॉब्लम है, ये सभी चीजें प्रॉब्लम की वजह से जो है रिजेक्ट किया गया। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, समाज कल्याण विभाग ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पत्र भेजा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस से तकनीकी और खामियों के चलते डाटा रिजेक्ट होने वाले छात्रों की संख्या करीब 1 लाख बताई जा रही है। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के 2.5 लाख रुपए सालाना तक आय वाले परिवारों को जो है छात्रवृत्ति दे रहे हैं, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि जिनका रिजेक्ट हुआ है इस रीजन से, उन लोगों को इस साल कुछ नहीं हो सकेगा, उनको जो है नेक्स्ट ईयर ही, नेक्स्ट सेशन में ही जो उनकी भरपाई की जाएगी, ये क्लियर बोल दिया गया। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टूडेंट्स अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वहां से इन लोगों ने क्लियरेंस यही दिया है क्लैरिटी के रूप में कि हम इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे, अगले बार करेंगे। जस्ट आप समझ सकते हो टालने के लिए किया गया है, लेकिन यही है। फिर उसके बाद से एक यहाँ पे न्यूज दिया गया है कि जो मथुरा में, मथुरा के स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, मथुरा में जो है घोटाले का पता चला है, कुछ संस्थानों में जो है काली सूची यानी कि फेक जो है वो स्टूडेंट्स का वहां पे दिखाया गया एडमिशन, और उनका जो है स्कॉलरशिप लिया गया है, और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका रिजेक्ट करवा दिया गया है। ये सभी चीजें भी हो रही हैं, तो उन लोगों पे जो है ये कार्रवाई चल रही है। 13 और 14 मार्च को जो है समाज कल्याण के निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सुनवाई करेगी, तो सुनवाई जो है 13 और 14 मार्च को होने वाली है, ये इंफॉर्मेशन है। तो फिलहाल बस यही समझ लो, जिनका रिजेक्ट हुआ है, अगर आपका रिजेक्शन जो है बैंक की वजह से हुआ है या फिर कॉलेज की वजह से हुआ है, तो आप कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन डालकर देखिए। अगर कॉलेज वाले, मैं फिर से बोलूंगी, कॉलेज वाले अगर सपोर्ट करेंगे तो आपका जरूर कुछ ना कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर कॉलेज वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो बहुत ज्यादा ही समझ लो कि ना के जगह पे ही है चीजें। तो ये सब चीजें जो है इन्फॉर्मेशन यूपी स्कॉलरशिप से है, कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी इससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मिलूंगी, चिल देन, हैव अ नाइस।